सो हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है सेकंड यानी यूनिट टू के बारे में बात करूंगा इलेक्टिव सब्जेक्ट हमारा लैंडस्केपिंग चल रहा है आप लोग जानते ही हैं तो टॉपिक का जो नाम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग यानी कि लैंडस्केपिंग के सिद्धांत क्या क्या हैं तो शॉर्ट तरीके से देखा जाए तो लैंड के सिद्धांत में हमारा सबसे पहले हमारा आता है बैकग्राउंड क्या आता है हमारा बैकग्राउंड उसके बाद कॉन्ट्रेस्ट बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन ओपन कल ओपन कल्चर एंड रिस्पायरेशन सॉरी रिपिटेशन एंड राइथम एंड वेरायटी ये हमारा क्या आता है लैंडस्केपिंग के सिद्धांत में आता है आप तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले बैकग्राउंड आएगा कॉन्ट्रेस्ट आएगा बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन इसके बाद आएगा ओपन कल्चर इसके बाद आएगा रिपिटेशन एंड राइथम एंड वेरायटी ये हमारा सिद्धांत में आएगा यानी कि मुख्य जो सिद्धांत uh, है हमारे यदि आप लैंडस्केपिंग को तैयार करना चाह रहे हैं लैंडस्केपिंग करना चाह रहे हैं तो कुछ मोस्ट एम्पोर्टेंस हमारे जो टर्म्स होते हैं उनको फॉलो करके आप लैंडस्केपिंग को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं ओके तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला हमारा है बैकग्राउंड सबसे पहले हमारा आता है बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड का मतलब क्या है एक बगीचे एक बगीचे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो चाहे एक पेड़ एक दीवार तेज तेज सॉरी हेज के सभी प्राकृतिक के सामान होने चाहिए रंगों को भंग करने वाली व्यवस्था नहीं होनी चाहिए यानी कहने का मतलब क्या है लैंडस्केपिंग के जो बैकग्राउंड हमारा होना चाहिए वो हमारा बढ़िया होना चाहिए चारों तरफ से हेज होना चाहिए ठीक है प्रति प्रकृति के, के समान होने चाहिए रंगों का भी उसमें समावेश करना चाहिए ऐसा रंग नहीं होना चाहिए कि जो लैंडस्केपिंग को भंग कर रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये समझ गए होंगे अगला हमारा आता है कॉन्ट्रास्ट तो कॉन्ट्रास्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंस है तो ऐसे डिजाइन होनी चाहिए जिसमें एक रास्ता हो अभी मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्ट्रास्ट भी कितने प्रकार के होते हैं तो ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जिसमें एक रास्ता हो तथा रंगों का सुनिश्चित प्रयोग होना चाहिए रंगों का सुनिश्चित प्रयोग का मतलब क्या है कि उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो रंग है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो फ्लावर्स है उनका समावेश होना चाहिए तो ये हमारा कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगा अगला आता है बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है बैलेंस ऑफ प्रिपरेशन ओके तो इसको हम देखते हैं तो एक बगीचे में विभिन्न घटकों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए ओके okay, जैसे एग्जाम्पल के लिए रंग रूप आकार पौधे की ऊंचाई ये सब हमारा बैलेंस प्रिपरेशन में आ जाएगा किस में आ जाएगा बैलेंस प्रिपरेशन में आ जाएगा बैलेंस प्रिपरेशन में क्या क्या हमारा रंग हो गया रूप हो गया आकार हो गया पौधे की ऊंचाई ये हमारा बैलेंस और प्रिपरेशन में आ जाएगा यानी कि उसको बैलेंस करना रंगों का बैलेंस करना रूप का बैलेंस करना आकार का बैलेंस करना और पौधों की जो हाइट है हाइट को मेंटेन करना उसी को बोलते हैं हमारा बैलेंस और प्रिपरेशन नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ओपन कल्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आखिर ओपन कल्चर का मतलब क्या है खुले स्थानों का चयन करना चाहिए जहाँ पर खुला स्थान हो वैसी स्थान को हम लैंडस्केपिंग के रूप में हमको चुनना चाहिए जैसे तथा लोन मृदा सतह से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए लोन मतलब क्या है जलोढ़ मृदा सतह से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए लोन का मतलब क्या अभी का है अभी आप जिस लैंडस्केपिंग का यूज़ करना चाह रहे हैं आप ये हमारा मान लीजिए सॉइल का सरफेस है तो उसके तो थोड़ा सा मान लीजिए पाँच से दस सेंटीमीटर हमारी ऊंची होनी चाहिए या फिर मान लीजिए आप बीस से पच्चीस सेंटीमीटर हमारा जो लैंडस्केपिंग का जो कार्य होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए समझ लीजिए कि ऊँचाई पर करना चाहिए एक प्रकार से ओपन कल्चर होना चाहिए खुला का स्थान होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा आता है रिपीटेशन क्या आता है रिपीटेशन रिपीटेशन का मतलब क्या है कि किसी बगीचे के कुछ विशेष विशेषताए पुनरावृत्ति से लय संतुलन एवं एकता समानता करने से मदद मिलती है ओके रिपीटेशन में किसी बगीचे की, की कुछ विशेषताएं पुनरावृत्ति से लय संतुलन एवं एकता समान करने से मदद मिलती है अगला आता हमारा राइथम राइथम का मतलब क्या है कि एक लैंडस्केप डिजाइनर के पास इसको समझने के लिए एक कलात्मक समझ होनी चाहिए कि डिजाइन को किस रायथम okay, में लगाना चाहिए ओके किस टाइप में लगाना चाहिए कैसे लगाना चाहिए उसको हम आ, उसको हम गोनी मेथोड से लगा रहे हैं आयताकार से लगा रहे हैं सर्कुलर मेथोड से लगा रहे हैं फ्री स्टाइल लगा रहे हैं किस टाइप में हम लगा रहे हैं उसका एक राइथम होना चाहिए एक लैंडस्केपर डिजाइनर के पास इसको समझने के लिए कला होनी चाहिए ठीक है कि आप डिज़ाइन किस प्रकार से लगाएं उसी को बोलते हैं राइथम अगला आता है वेराइटी वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए अगर जो आप लैंडस्केपिंग कर रहे हैं तो लैंडस्केपिंग का जो आप फ्लावर को सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर आप क्लिम्बर्स का या फिर सर्ब्स का जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसकी वेराइटियाँ भी होनी चाहिए ना भाई साहब कि उसका किस बेस पर आप सिलेक्शन कर रहे हैं फ्लावर के बेस पर कर रहे हैं या फिर उनकी पत्तियों के बेस पर कर रहे हैं ओके okay, किस बेस पर आप कर रहे हैं एक बगीचे के एक रास्ता को तोड़ने के लिए विविधता आवश्यक है या पौधे के रंग रूप के विपरीत तैयार किया जाता है ओके okay, समझ गए होंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग के बारे में बता दी हूँ क्या क्या है एक बार और रिवीजन कर लेते हैं आखिर क्या क्या है तो सबसे पहले हमारा आता है बैकग्राउंड एक बढ़िया बैकग्राउंड होना चाहिए ठीक है और उसके चारों तरफ हेज होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे रंगों का यूज़ नहीं करना चाहिए जो क्या हो प्रकृति को भंग करता हो या फिर हमारे लैंडस्केपिंग का भंग करता हो अगला है हमारा कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है ऐसी डिजाइन होना चाहिए ऐसी रास्ता होना चाहिए उसमें अगला हमारा है कि बैलेंस ऑफ प्रिपेरेशन इस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं इस प्रकार से मेंटेन करते हैं कि हमारा जो लैंडस्केप का जो गार्डन है हमारा वो बेटर तरीके से दिखे जैसे रंग का मेंटेन करते हैं बैलेंस करते हैं रूप का करते हैं आकार का करते हैं पौधे की हाइट का करते हैं यानी प्लांट हाइट का करते हैं अगला है ओपन कल्चर यानी खुले स्थानों का चयन करना चाहिए हमको अगला है रेपिटेशन रेपिटेशन का क्या मतलब है कि आ, किसी बगीचे की कुछ विशेषताएं पुनरावृत्ति से लय संतुलन एवं एकता समानता करने से मदद मिलती है रेपिटेशन होना चाहिए अगला है राइथम रायथम का क्या मतलब है कि जो हमारा लैंडस्केप डिजाइनर है हमारा उसके पास नॉलेज होना चाहिए किस प्रकार से ठीक है किस प्रकार से टाइप से लैंडस्केप को बनाया जाए जिससे और बेटर तरीके से दिखे तो उसके पास नॉलेज होना चाहिए इसी को राइथम कहते हैं वैराइटी होना चाहिए आप बेस पर लगा रहे हैं कौन से आ, किस चीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं ओके किस फ्लावर्स का यूज कर रहे हैं ओके तो ये सब हमारा होना चाहिए ये हमारा सब प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग में आ जाता है अगला हमारा चलेगा यूनिट नंबर थ्री जिसमें आपको बताऊँगा गार्डन स्टाइल एंड टाइप्स के बारे में तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं